तो गाइस जब बात आती है कोई भी रफ एंड टफ गाड़ी लेने की तो इस गाड़ी का नाम जरूर आता है, लेकिन भाई इस सेगमेंट में इतने पैसे में और भी गाड़ी आती है, लेकिन रियर व्हील ड्राइव के लिए ये गाड़ी कहीं ना कहीं ज़्यादा मशहूर होने वाली है। इस सेगमेंट की बहुत सारी गाड़ी आती है भाई, क्रेटा वरेटा कुछ भी ले लो, वहाँ पे BW वगैरह कुछ भी ले लो, 12.5-13 लाख रुपए में सब एक्सोरूम के साथ मिल जाती हैं, लेकिन इस गाड़ी में भी आपको 11,35,000 रुपए में सारे फीचर मिलेंगे। और भाई जो रफ टफ और जो रॉब है इस गाड़ी का, जो रफ रोडिंग का फील है, वो शायद और कहीं आपको और किसी सेगमेंट में मिल पाए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महिंद्रा की थार की AX ऑप्शनल वेरियंट, जो कि बिल्कुल बेस है रियल व्हील ड्राइव के साथ। अब भाई इस गाड़ी में आपको इस 11,35,000 रुपए के एक्सोरूम प्राइस में कितने कुछ फीचर मिलेंगे और क्या कुछ चीज़ें इसमें प्रोवाइड कराई गई हैं, उन सारी चीज़ों पे डिटेल में रिव्यू करने वाले हैं। सबसे पहले बात करी जाए गाड़ी की की, तो यहाँ पे आपको रिमोट सेंटर लॉकिंग फ्लिप की के साथ कुछ इस तरह से की मिल जाती है देखने को। यहाँ पे कुछ साइड प्रोफाइल तगड़ी इस गाड़ी की मिलती है, रोड प्रेजेंस काफ़ी बढ़िया यहाँ पर मिल जाता है। 2600 mm का तगड़ा यहाँ पर आपको व्हील बेस दिया गया है, काफ़ी ठीक ठाक रहता है। बात की जाए टायर साइज की, तो यहाँ पर आपको 245/75R16 के साथ भी टायर साइज मिल जाता है, जो कि भाई काफ़ी बड़ा है, काफ़ी ऊंचा है, अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस भी यहाँ पे आपको इसके साथ मिल जाएगा। यहाँ से आपको फेंडर पे इंडिकेटर मिल जाता है साइड के लिए। अब बात करें गाड़ी के फ्रंट फेसिया को लेकर, तो काफ़ी बढ़िया जो है गाड़ी का फ्रंट फेसिया आपको यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे फॉग लैंप की हाउसिंग दी गई है, लेकिन फॉग लैंप नहीं दिया गया है। यहाँ से आपको इंडिकेटर मिल जाता है, यहाँ से आपको मिलती है एंड काफ़ी ब्रॉड सा यहाँ पे आपको गाड़ी की जो है फ्रंट फेसिया मिल जाता है। सामने से मिलती है महिंद्रा की बैजिंग, भाई तगड़ी प्रेजेंस है गाड़ी की। अगर रोड पे चलती है तो भाई सामने से साइड जरूर मिलती है, क्योंकि इस गाड़ी का जो रोब है अलग ही खौफ है इस गाड़ी का अपनी मार्केट में। तगड़ी बेटिंग के साथ रहने वाली है ये महिंद्रा की थार, कुछ इस तरह से बढ़िया यहाँ पर आपको मिल जाता है गाड़ी का फ्रंट फेसिया, जो कि काफ़ी ब्रॉड और काफ़ी पल्की काफ़ी मस्कुलर निकल के आते हैं। एंड ओवरऑल साइड प्रोफाइल की बात कीजिए, बढ़िया यहाँ पे आपको गाड़ी की साइड प्रोफाइल मिल जाती है। उसी के साथ यहाँ से आपको थार की बैजिंग और कुछ इस तरह से आपको मिल जाता है ORBM, लेकिन भाई ORBM यहाँ पे आपको मिलने वाला है मैट ब्लैक आउट कुछ इस तरह से। एंड यहाँ पर आपको ऊपर चढ़ने के लिए ये वाला कुछ सिस्टम भी दे रखा है, जो कि काफ़ी ठीक है। डोर हैंडल यहाँ पर आपको मिल जाते हैं ब्लैक आउट, जो कि ठीक ठाक लगते हैं। यहाँ से की आपको लगाने को मिलेगी एंड यहाँ पे आपको जो पीछे का मिरर है वो कुछ इस तरह से मिल जाता है। रियल व्हील ड्राइव की यहाँ पे आपको मिल जाती है बैजिंग। अब उसी के साथ बात आती है भाई गाड़ी के हाइट को लेकर, तो तगड़ी यहाँ पे आपको गाड़ी की हाइट मिल जाती है भाई। और जो रियर है आप देख सकते हैं, LED टेल लैंप यहाँ पे आपको थार की बैजिंग के साथ मिल जाती है, रिफ्लेक्टर या पार्किंग सेंसर का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है भाई। मैनुअल वेरियंट है अपने बीच, यहाँ पे आपको वही 245/75/16 के साथ स्टेपनी का भी ऑप्शन मिल जाता है। पीछे से डिफॉगर और आपको पीछे से मिल जाता है हाई स्टॉप माउंट टेल लैंप। यहाँ से इसको बूट को ऑन करते हैं और देखते हैं कि बूट स्पेस में क्या कुछ आपको कितना मिल जाता है। तो सबसे बढ़िया चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई, जो ओपन करने का स्पेस है वो काफ़ी तगड़ा है। उसी के साथ भाई यहाँ से आपको थोड़ा ठीक ठाक बूट स्पेस भी मिल जाता है। अब एक चीज़ याद निकल के आती है भाई, पीछे बैठने की जगह कहाँ से है, पीछे बैठा कैसे जाए, वो सबसे वीक पॉइंट आप इस गाड़ी का कह सकते हो। क्योंकि जो मेरे को लगा भाई, इस गाड़ी का जो सबसे वीक पॉइंट है वो है सिर्फ गाड़ी के रियर सीट पर बैठने को लेकर, कि भाई रियर सीट पर बैठेगा कैसे पैसेंजर, वो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम ज़रूर फील करनी पड़ेगी। चलो उसको भी देखते हैं कि वो प्रॉब्लम है या नहीं, या सिर्फ मेरे को ही लगती है। तो यहाँ से हमने डोर ओपन किया एंड यहाँ से आपको सीट मिलेगी, जो कि यहाँ से आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे भाई आपको एक बटन मिल जाता है, अब इस बटन को फोल्ड करेंगे, सीट जो है आपकी यहाँ डैशबोर्ड पे आ चुकी है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे बैठना है और यहाँ से जो है अंदर जाके देखना है कि भाई कुछ इस तरह से आप जो है बैठ पाएंगे। अब आप बैठ चुके हैं और बैठने के बाद भाई जो रियर में स्पेस है वो इतना स्पेस आपको मिल जाता है, लेदरी सीट यहाँ पे आपको मिलती है। अब स्पेस काफ़ी बढ़िया मिल जाता है और जो डैशबोर्ड बचता है वो कुछ इस तरह से इतना बचता है भाई। ऊपर की छत वगैरह आप यहाँ से देख सकते हैं, बढ़िया है, तगड़ा सा फील आता है भाई गाड़ी में बैठ के, मज़ा तो अलग ही आता है। यहाँ से आप देख सकते हैं वो वाला पूरा फील है भाई, जो गाड़ी में नाम है, मतलब एक जो फील है उस तरह से गाड़ी भी है भाई, ऐसा नहीं कि नाम है। तो अभी हमने प्रॉब्लम देखी और रियर सीट पर बैठना कैसे वो देखा, अब बाहर निकल के देखते हैं कि रियर सीट में स्पेस कितना बच रहा है। समझा कि यहाँ पे आपको जो है इतना स्पेस पीछे रियर सीट पे बैठ के मिल जाता है, बाकी काफ़ी तगड़ा है, बढ़िया है और अच्छी जो है इस गाड़ी के साथ आपको स्पेस भी मिल जाता है। आप यहाँ से इसको खींच के यहाँ से ऑफ कर सकते हैं और ये वाली सीट को पीछे फोल्ड आउट भी यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ बड़ी प्यारी लगी यार, जो यहाँ पर आपको सीट पर लेदर मिल रही है ना, वो काफ़ी प्यारी निकल के आती है। ओवरऑल यहाँ से हम डैशबोर्ड भी देख सकते हैं कि
चेकआउट कर सकते हैं डैशबोर्ड, बढ़िया लगता है। अब अंदर चलते हैं और डैशबोर्ड को फील करते हैं कि डैशबोर्ड कितने कुछ फीचर आपको डैशबोर्ड के साथ मिल जाते हैं। उसके बाद इंजन स्पेसिफिकेशंस, अदर और सारी चीज़ों पे डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ से आपको डोर मिलता है जो कि ठीक ठाक लगता है, लेकिन सिल्वर यहाँ पे आपको थार की बैजिंग मिल जाती है। कुछ छोटा सा यूटिलिटी स्पेस यहाँ पे आपको मिलेगा, ड्राइवर सीट एडजस्टेबल का ऑप्शन मिलेगा। लेकिन बार बार वही कहूँगा भाई, जिस पैसे में गाड़ी मिल रही है, मेरे को ये लगा कि जो इसकी लेदर क्वालिटी है काफ़ी प्यारी है। आ चुके हैं, डैशबोर्ड आप यहाँ से देख सकते हैं, फिलहाल तगड़ा यहाँ पे आपको डैशबोर्ड मिल जाता है। जैसी गाड़ी वैसा नाम भाई, उसी तरीके से यहाँ पे आपको मिलता है गाड़ी का रजिस्टर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। ऑन करते हैं इग्निशन और यहाँ पे ऑन की इग्निशन, और यहाँ से आप देख सकते हैं भाई डिजिटल नहीं है, एनालॉग है, बीच में आपको डिजिटल भी मिल जाता है। बढ़िया है, मजा आ रहा है, ठीक है, ठीक ठाक लग रहा है भाई, सारी इंफॉर्मेशन दे देगा आपको। स्टेयरिंग यहाँ पे जैसा आप देख पा रहे हैं, ठीक है, स्टेयरिंग फ्लैट बॉटम नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से भाई गाड़ी का इंजन है उस हिसाब से स्टेयरिंग भी आपको कहीं ना कहीं ठीक दे रखा है 1.5 के साथ। यहाँ पे आपको एसी के वेंट्स पियानो ब्लैक फिनिश के साथ मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस, फिलहाल आइडल स्टॉप स्टार्ट का ऑप्शन भी यहाँ पे आपको मिल जा रहा है भाई। उसके साथ अब यहाँ से बात करें आपको, तो कुछ कंट्रोल्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, जैसे हील असिस्ट वगैरह, पावर विंडो लॉक अनलॉक करने के लिए, यहाँ से आपको ऑन ऑफ वगैरह सब कुछ मिल जाता है। यहाँ से दो पावर विंडो का ऑप्शन कुछ इस तरह से है। गियरों में आप देख सकते हैं भाई, तगड़ी जो है ब्लैकआउट विथ क्रोम के साथ कर रखा है। यहाँ से आपको जो पैजिंग है वो काफ़ी बढ़िया लगती है। यहाँ पे आपको स्पेस वगैरह, कप होल्डर वगैरह सब कुछ दे रखे हैं। ओवरऑल डैशबोर्ड अगर देखा जाए तो काफ़ी बढ़िया यहाँ पे आपको डैशबोर्ड मिल जाता है। लेकिन म्यूजिक सिस्टम भाई आप इसमें एड ऑन करा सकते हैं, क्योंकि बेस मॉडल है तो बेस में म्यूजिक सिस्टम यहाँ पे आपको नहीं मिलता है। लेकिन इसी के मैट्स ना काफ़ी प्यारे लगते हैं भाई। यहाँ पे आपको बैठने के लिए हैंडल वगैरह दे रखा है। ग्लोव बॉक्स तो काफ़ी छोटा है, क्योंकि भाई जिस पर्पस के लिए गाड़ी है उसमें ग्लोव बॉक्स का तो क्या ही यूज़ है यार, छोड़ो ग्लोव बॉक्स की तो क्या ही बात करनी है। यहाँ पे आपको ORVM कुछ इस तरह से मिल जाता है भाई। ये वगैरह जो बैजिंग वूजिंग कुछ इस तरह से, जो डिज़ाइन देख रहे हैं ना, काफ़ी प्यारा है भाई डिज़ाइन, लेकिन ठीक ठाक लग रहा है। बाकी हैंडल वगैरह आपको पैसेंजर साइड में ज़रूर देखने को मिल जाता है, ड्राइवर साइड नहीं है लेकिन पैसेंजर साइड मिल जाता है। यहाँ से आपको लाइट्स वगैरह भी मिल जाती है। तो ओवरऑल कुछ ठीक ठाक प्यारा सा यहाँ पे आपको मिल जाता है गाड़ी का डैशबोर्ड। चलते हैं बाहर और देखते हैं क्या कुछ बाहर से मिलता है। तो गाइस अब हमने डैशबोर्ड देख लिया, अब बात आती है गाड़ी के इंजन पावर पिकअप परफॉर्मेंस को लेकर कि इंजन किस हिसाब से आपको मिल जाता है। तो भाई इंजन की अगर बात की जाए तो इंजन यहाँ पे आपको मिलता है 1.5 लीटर का डीजल इंजन, जो कि काफ़ी बढ़िया यहाँ पे आपको माइलेज दे देता है। 13 से 14 KMPL का माइलेज यहाँ पे आपको क्लेम करके मिल जाता है। बढ़िया है भाई, इस ऑफ रोडिंग गाड़ी के साथ इससे ज़्यादा माइलेज की एक्सपेक्टेशन और करना भी क्या ही है। उसी के साथ अगर गाड़ी के डायमेंशन की बात की जाए लेंथ विथ हाइट की, तो यहाँ पे आपको 3995 mm की लेंथ, 1830 mm की बिर्थ और 1844 mm की यहाँ पे आपको हाइट देखने को मिल जाती है। अब बात आती है गाड़ी के इंजन स्पेसिफिकेशन को लेकर, तो 1.5 डीजल इंजन के साथ यहाँ पर आपको 170 HP की पावर, 300 Nm का टॉर्क भी जनरेट कर दे देती है ये थार का 1.5 डीजल इंजन। तो भाई कुछ इस तरह से था महिंद्रा थार AX ऑप्शनल बेस वेरिएंट रियल व्हील ड्राइव के साथ एक छोटा सा वर्कआउट रिव्यू, जिसमें हमने जाना कि इस वेरिएंट में कितने कुछ आपको फीचर मिलेंगे और किस तरह से ये आपके लिए जो है वैल्यू फॉर मनी रहने वाली है। तो गाइज यही था आज के वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें, जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर।